दिन। हेलो, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं इस नाट्य कार्यशाला में बतौर गेस्ट फैकल्टी आया हूँ। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का जो है वो भाव महसूस हुआ, क्योंकि हमारे हिमांशु द्विवेदी भाई जो हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में। उन्होंने इस वर्कशॉप का जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के सहयोग से और SCZCC के सहयोग से। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि इतने सारे नए लोग जो है वो इस वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं। लगभग 60-70 के आसपास इसमें विद्यार्थी हैं और नए बच्चे जब आते हैं, नए स्टूडेंट्स जब आते हैं थिएटर से जुड़ने के लिए, तो एक तरह से ये थिएटर के लिए एक अच्छा जो है वो विषय होता है। तो इन बच्चों के साथ काम करके मुझे भी जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, नई ऊर्जा, नई सोच। आजकल के स्टूडेंट्स किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और किस तरह की आजकल समाज में जो है वो चीज़ें चल रही हैं, वो नई जनरेशन के साथ काम कर करके ही पता चलता है। तो मैं भी एक फैकल्टी होने के नाते भी सीख रहा हूँ और थिएटर का तो मैं एक छात्र हूँ ही, तो उस नाते भी मैं सीख ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ है कि ग्वालियर जैसे शहर में, जो कि इतना प्रसिद्ध शहर है भारत का, जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, तो उस शहर के इस विश्वविद्यालय में, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि नए लोगों को निःशुल्क कार्यशाला जो है वो मुहैया करवाई जा रही है, ताकि थिएटर में ये लोग जो है वो आगे आकर अपना योगदान दे सकें और भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा दे सकें। तो मेरी ओर से हिमांशु भाई, राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय और इन छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, और मैं दुआ करूंगा कि ये लोग जो है वो इसी तरह से थिएटर की बढ़ोतरी में, थिएटर में इसी तरह से योगदान देते रहें। धन्यवाद।